क्लाउड ठीक है, जल्दी से अब इसके ऊपर वो खोलना है। एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन खोल लूँ। मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, एक नई चीज़ आई है, सॉर्ट ऑफ आप लोग शायद खुश हो गए। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसके टू मेरी आवाज स्लो आ रही है आप लोग के पास गाइस? ओके ठीक है, आ सकती है आप अपनी तरफ से थोड़ा सा आवाज तेज कर लो, मेरे ख्याल से इशू थोड़ा सा। सो हम थे लास्ट टाइम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अच्छा, मैं आज आपको कोई और बात बता दूं, अ लॉट ऑफ यू गाइस माइट हैव द क्वेश्चन कि यार फेसबुक एड्स वाली, मैं एक्चुअली आज आप लोगों के साथ फेसबुक एड्स का सेशन कंडक्ट करने वाला था। उसमें एडिटिंग बहुत है क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं हेयर एंड देयर, जो मैंने वीडियो बना दी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं आज का सेशन फेसबुक एड्स का कर लेता हूँ। लेकिन फिर मेरे पास काफ़ी सारे दूसरे लोगों की तरफ से मैसेज आया कि नहीं सर, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको इसको तरतीब से लेके चलें। और प्रॉब्ली कल जो है, कल शाम या रात तक जो है ना, फेसबुक एड्स का सेशन आप लोग का VBC में होपफुली अपलोड होगा, जिसमें इस लेटेस्ट डैशबोर्ड के साथ जो भी चेंजेस हैं वो भी मैं उसमें मतलब उस लिहाज से अकॉर्डिंगली जो है ना, मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये याद है अच्छे से, मुझे ये याद है अच्छे से कि लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा आगे पहुँच गए थे ओवर प्रोडक्ट हंटिंग। लेकिन मैं कुछ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बोला था फेसबुक टर्बो एड फाइंडर जो है वो आपको चल नहीं रहा। लेकिन सो वेट, लेट मी जस्ट फिक्स द टाइप ओवर हियर, रिप्लेस विद माय एड फाइंडर। ठीक है, आप लोग ने माय एड फाइंडर जो है आप अपनी क्रोम एक्सटेंशन में डालना है। ये थोड़ा डिफरेंटली चलता है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरह चलेगा। आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो, अच्छा क्योंकि ये मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में बहुत सारी एक्सटेंशंस मेरे पास इंस्टॉल्ड है भी नहीं। क्रोम माय एड फाइंडर, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ भी है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर वन इज माय एड फाइंडर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ। अब ये एक्सटेंशन मेरे पास आ गया है। अब इन्होंने क्रोम पे बेसिकली एक नया वो डाला है एक्सटेंशंस को मैनेज करने के लिए कि कौन से एक्सटेंशन ऐसे हैं जो आप जो है ना पिन करना चाहते हो। तो माय एड फाइंडर बाय डिफॉल्ट पिन नहीं हुआ हो, मैं इसको पिन कर देता हूं ताकि यहां पे आप लोग देख पाए। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा टर्बो एड फाइंडर से डिफरेंट तरीके से काम करता है, लेकिन आप इसको सेम सॉर्ट ऑफ सेम फंक्शनैलिटी के ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। जी शीट मिल जाएगी, अब आप लोग आए स्क्रीन के ऊपर। अब टर्बो एड फाइंडर ये करता था कि आप लोग के जितनी भी न्यूज फीड पे क्लटर होता था ऑर्गेनिक, वो हटा देता था और सिर्फ जो है वो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो स्पॉन्सर्ड एड, और हर थोड़ी देर बाद जो है ना मतलब सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड सामने लाता था। मुझे ये लगता है कि मे बी द रीजन इज के फेसबुक अब रिसेंटली कुछ एल्गो इनके अपने अपडेट्स हुए होंगे जिसने जो है ना टर्बो एड फाइंडर को काउंटर किया बहुत सक्सेसफुली। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये चीज चल नहीं रही। अलबत्ता आई थिंक माय एड फाइंडर जो है दिस विल वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज इट विल वर्क फॉर फ्यू मंथ्स टू कम एटलीस्ट बिफोर इट इज काउंटर्ड अगेन। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसको ऑन करा, इसके दो फीचर्स हैं, मैंने दोनों फीचर्स यूज करे, शो ओनली एड्स, मुझे ये बगी लगा जैसे कि टर्बो एड फाइंडर में हर वक्त को सर्च कर रहा होता है लेकिन वो एड दिखा नहीं रहा होता। अगर आप लोग को पता हो ये बात, रिसेंटली एक मसला आया था। ठीक है, तो ये मैं करके दिखा देता हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, एटलीस्ट मेरे पास नहीं कर रहा था। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर देख लेते हैं, नहीं काम करेगा, प्रॉब्ली ये काम नहीं करेगा, लेकिन इसका दूसरा जो फंक्शनैलिटी है मुझे बहुत अच्छी लगी, वो काम करेगी। एक काम कर गया, एक फर्स्ट टाइम तो काम करता है, लेट्स सी अगर सेकंड टाइम, अब ये लोड करता रहेगा। टर्बो एड फाइंडर में यही सबको इश्यू आया था। अच्छा सो नहीं, अच्छा सो हो गया, ठीक है, इट इज डूइंग, इट इज वर्किंग द सेम वे। अच्छा, मैंने डेस्कटॉप से जब चेक करा था ना, तो ये जैसे पहला एड आया, दूसरा एड आया ये, अब तीसरा एड भी आ गया, चौथा एड भी आ गया,
ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग द सेम वे टर्बो एड फाइंडर की तरह, राइट? तो ये बेसिकली ये वही काम कर रहा है। अच्छा, मेरे पास डेस्कटॉप पे इस तरह नहीं चल रहा था, मेरे पास डेस्कटॉप पे क्या कैसे चल रहा था? अच्छा, जिन लोगों को ये इशू आ रहा है और जो ये वीबीसी की वीडियो देखेंगे और खुश होंगे, शुक्र है टर्बो एड फाइंडर का कोई हमारे पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन आ गया। मैं बस आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पहले एड के बाद ये रुक जाए, क्योंकि मेरे पास डेस्कटॉप ये मसला आ रहा था कि पहले एड के बाद ये दूसरे और एड्स नहीं दिखा रहा था, तो इसका सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आप इसको यहां से ऑफ करो, ठीक है, और एड ऑटो कलेक्ट एड्स के ऊपर टिक क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिएगा क्या होता है। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं, इसमें टेक्निक आप लोगों को यूज करनी होगी कि वंस यू आर ऑन द न्यूज फीड, आप लोग अपने जो मेरे पास बेसिकली जो माउस है उसके बीच में जो है ना वो स्क्रॉलर भी है, मोस्ट ऑफ द माउस हैव दैट ऑप्शन ना, कि मतलब बीच में स्क्रॉलर होता है। अगर आप लोग स्क्रॉलर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह, जैसे आप लोग मेरा कर्सर देख रहे हो ना, ये ऊपर और नीचे की तरफ एक एरो आ जाएगा कि मतलब आपको सिर्फ अपना माउस नीचे की तरफ मूव करना है, तो ये नीचे की तरफ आपकी पूरी न्यूज फीड जाना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा तेजी से यूं करोगे तो तेजी से जाना शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा होता क्या है, मैं इसको ना ये करके आराम से खाने पीने के लिए जा सकता हूँ, मतलब मैंने इसको इस तरह नीचे की तरफ करा और मैं खाने पीने के लिए चला गया या मैं कुछ भी अपना काम करने चला गया, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, थोड़ी देर तक आई जस्ट वांट टू शो यू कि एग्जैक्टली कर क्या रहेगा काम। ठीक है, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच, दैट्स इनफ, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कल आई थिंक कलेक्ट एड्स इज द राइट वन। हाँ, इसने करा ये है कि आपकी न्यूज फीड पे जितने भी एड्स आ रहे थे ना, उस सब को इसने उठा के एक जगह पे कर दिया, जितने भी एड्स आ रहे थे ऑटो कलेक्ट कर लिया है और उसने एक अपनी लाइब्रेरी में सारे एड्स को एक साथ ऐड कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट, आप लोग ये कर सकते हो। इससे होगा ये कि आप लोग फिर वन गो में ही सारे एड्स मतलब इस तरह कलेक्ट कर सकते हो। और मैं तो आप लोग से बोलूंगा, अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हंट करना चाह रहे हो तो आप लोग हर 3-4 दिन के बाद इस तरह अपनी न्यूज फीड को खुला छोड़ के जो है ना कहीं चले जाओ, स्क्रॉल करके ऑटो स्क्रॉल पे लगा दो और इस तरह आप लोग कहीं चले जाओ, वो एड्स कलेक्ट करता रहेगा और फिर कलेक्ट एड्स के ऊपर क्लिक करके जो है ना वो सारे एड्स को एक लाइब्रेरी में पोस्ट कर देगा। फिर यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिव्यू दोस एड्स के भाई किस तरह थे, क्या थे और वट एवर दैट इज, ठीक है। ठीक है, दिस इज बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये एक और बहुत अच्छा ऑल्टरनेट मिला है, ये मैंने इसका लिंक भी छोड़ दिया है शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है और इसके रिव्यूज भी टर्बो एड फाइंडर से ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इनफैक्ट डेफिनेटली मुझे टर्बो एड फाइंडर से इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड लग रहा है, मतलब अगर एक वे अगर एक फंक्शनैलिटी अगर फेसबुक ने रोक भी दी तो आई थिंक दूसरी फिर भी काम करेगी। ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को लास्ट टाइम पूरा तरीका, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्किप दिस। एड्स एंड इन्फो मैंने बताया था आप लोग को लास्ट टाइम, अभी मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ बाबर। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को इसका बताया था फेसबुक एड्स एंड इन्फो का, लास्ट टाइम अच्छा। So, Facebook ads and info क्या करता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि let's suppose मैंने ये सारे ads निकाल लिए, ठीक है। अब देखे considering the fact के आप लोगों को यहाँ पे जो है ना सारे view count shares वगैरह हर चीज पता चल रही है, अब मैं 2 मिनट के लिए ये सोचता हूँ कि यार इस इन सारे ads में से वो ad obviously successful है जिसके जो है ना जिसके social proof आए, I can say that, ठीक है। अब जैसे कि अब मुझे नहीं पता ये क्या product है लेकिन डेफिनेटली ये ड्रॉप शिपिंग है, नाइस ब्लॉक डॉट स्टोर, ठीक है। अब ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है बिकॉज 20,000 लाइक्स, 2,600 कमेंट्स, 5,700 शेयर्स हैं इसके, तकरीबन 9 मिलियन व्यूज हैं इसके,
तो कोई भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था जिसके इतने ज्यादा हाई सोशल प्रूफ होता है, कोई पागल ही होगा जो उसके ऊपर सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर पैसा लगाता जाए और उसको सेल्स ना आनी हो. तो इतने हाई सोशल प्रूफ एड्स प्रॉफिटेबल 100% होते हैं, 100% होते हैं. तो अगर मैं अभी फिलहाल इसकी बात कर लूँ 2 मिनट के लिए, तो या मैं इसको, अल्लाह करे इसका पेज खुल जाए. मैंने असल में, हाँ, सो इसका पेज मेरे पास आ गया. अब मुझे नहीं पता कि ये अभी और कितने सारे हो सकता है, वन प्रोडक्ट स्टोर हो, लेकिन आई एम जस्ट अंडर द अजम्पशन कि मे बी ये और प्रोडक्ट्स भी चला रहा हो. कहने का मकसद क्या है, इसके पीछे जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि अगर कोई सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट, किसी को सक्सेस मिला है, तो प्रोबेबली उसके पास एक सक्सेस फॉर्मूला आ गया है ऑफ गोइंग अबाउट हंटिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग प्रोडक्ट्स. और उसको जो है ना एक गो में ही, या एटलीस्ट 2-3 गोज में जो है ना पता चल जाता है कि विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है. सो इफ यू डोंट नो, इफ यू फील दैट यू नो इनएक्सपीरियंस एंड यू स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो, तो जो भी ये साइट्स जो इनके पहले से ऐसे एड्स चल रहे हो, वो पेजेस जिनके एड्स चल रहे हो, जो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा नहीं ये प्रॉफिटेबल होगा फॉर श्योर, आप उनकी एड लाइब्रेरी में जाके उनको जो है स्पाई करना शुरू कर दो कि अभी इन्होंने नया कौन सा प्रोडक्ट लगाया है जिसको हम भी टेस्ट करने पे लगा सकते हैं. इसलिए तो सिर्फ एक ही लगाया हुआ है, ठीक है. बट देयर आर लॉट ऑफ स्टोर्स, जो मैं प्रोबेबली अभी आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा रुकिएगा. मेरे ख्याल से ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. चलो लेट्स होप कि इनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहा हो. सही है. गो टू एड लाइब्रेरी, ये कहां पर होता है, आपके फेसबुक का जो पेज होता है उसके राइट हैंड साइड पे पेज ट्रांसपेरेंसी होता है. पेज ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सी मोर पे क्लिक करोगे, सी मोर पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे और गो टू एड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करोगे. प्रोडक्ट वैलिडेशन तो मैं आप लोग से डिस्कस कर चुका हूँ, राइट. ये सब एक प्रोडक्ट चला रहा है. आई थिंक ये मैंने सेम खोल दिया. एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी आप लोग से बात करता हूँ. हाँ, तो आप लोग ये देखो, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स चला रहा है, ये एक नहीं चला रहा, ठीक है. आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रिप्स होती हैं जो मैंने अभी रिसेंटली अपने घर के लिए भी मंगवाई हैं फॉर माई रूम. तो दीज आर लाइक, आई थिंक दे आर RGB स्ट्रिप्स जो आप यूज करते हो, दराज पे भी मिल रही होती हैं, ठीक है. और एट द सेम टाइम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, नहीं, इसने वही चीज डिफरेंट तरीके से प्रमोट कर रहा है. नहीं, ये एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है. इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं भी निकलता ना कोई, तो डू नॉट थिंक कि ये एक फेल तरीका है. मैं आप लोगों को बताता हूँ, काफी सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जो है ना आपके पास इस तरह भी निकल आते हैं. मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ, एक बार मैं ये आखिरी चेक कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ. हाँ, एज सस्पेक्टेड मुझे लग रहा था कि ये कम से कम जो है ना, मुझे मतलब इन सब में सबसे ज्यादा मुझे फीलर यही दे रहा था कि ये जरूर और प्रोडक्ट्स भी टेस्ट कर रहा होगा. आई मीन एटलीस्ट ये डिफरेंट लग रहा है, आई होप. अच्छा, सो आप ये देखो कि ये आई थिंक तीसरा, या सो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहा है. ये हैंगर का ये एक एड था जिसको मैंने सेव कर अपने पास फ्रॉम माय न्यूज फीड. फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाके जब मैंने चेक करा तो देर अदर प्रोडक्ट्स दैट ही इज प्रमोटिंग एज वेल, राइट. तो ये इफ आई वर यू, एंड मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, और मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, इस प्रोडक्ट पे आप देख सकते हो 20,000 लाइक्स हैं, 7,500 शेयर्स हैं, तकरीबन 5 मिलियन व्यूज हैं.
मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इतना ज्यादा हाई होता है सोशल प्रूफ में तो इट इज हाईली लाइकली कि वो प्रॉफिटेबल हो, एंड आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है इसके लिए. दैट ऑल्सो मीन्स कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर इसने अच्छा ढूंढा है तो चांसेस इसके भी अच्छे हैं कि ये जो ड्रॉप शिपर है ये प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छा होगा. एंड नॉट ओनली इन प्रोडक्ट हंटिंग, ऑल्सो मेकिंग एट दीज प्रोडक्ट स्टोर्स. तो वट यू नीड टू डू इज कि आप लोग दोनों चीजों का आइडिया लगाओ कि यार इसने जो है अपने प्रोडक्ट पेजेस कैसे बनाए हुए, ठीक है, टेक गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस. इसने जो है अपने एड्स कैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस. इस पे क्या चीजें हाईलाइट करी हुई है, क्या नहीं करी हुई, ये सारी चीजें आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है. तो इफ आई वर यू, तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि यार नहीं, ये प्रोडक्ट इसने बहुत ज्यादा रन कर लिया, बहुत ज्यादा इसने जो है ना इसके ऊपर रन करके इसको बेसिकली रगड़ा मार दिया होगा और जितनी भी सेल्स इसको स्कोर करनी है, अब मेरे पास कुछ रहेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वैसे तो कभी कभी ऐसे में भी सेल्स निकल आती है, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था. लेकिन लेट्स से कि अगर इसमें से आपको मजीद और सेल्स निकालनी हो तो आई वुडेंट, मतलब मैं इस पर टेस्ट कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी अपना बजट जो है ना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टेस्टिंग पे लगाऊंगा टू सी कि यार हो, ये तो प्रोडक्ट इसने लगाया हुआ भी है, क्या पता इसने ये चार प्रोडक्ट्स नए लगाए हो टेस्टिंग के लिए. और इफ ही इज अ वेरी प्रोफेशनल ड्रॉप शिपर एंड ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, तो इसका मतलब चांसेस अच्छे हैं कि ये बंदा जो है ना अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएगा. जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने पहले नहीं देखा. सर ये प्रोडक्ट मैंने पहले नहीं देखा, ये आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. मे बी आप लोगों में से किसी ने देखा, मैंने नहीं देखा. सही है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी लगाऊंगा जो कि कुछ ऐसा नया लग रहा हो, कोई डिफरेंट चीज हो, ठीक है. लाइक आई सेड, वाओ फैक्टर होना जरूरी है उसके अंदर. मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर अच्छा खासा जूम इन किया भाई ऑलरेडी, ठीक है. जी ये हो गया हमारे पास myip.ms का तरीका है हमारे पास एक, जिसमें यू हैव टू यूज द आईपी. myip.ms पे आप लोग ने जाना है. myip.ms पे जाने के बाद आप लोग को शॉपिफाई की आईडी पेस्ट करनी है. पेस्ट करने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और वेट, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, लुक, वेट वन सेकंड. शॉपिफाई के ऊपर 78,708 रिकॉर्ड्स हैं, आई मीन जिनके ऊपर शॉपिफाई के ऊपर जो साइट्स बनी हुई हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये तरीका करता क्या है कि आप शॉपिफाई की आईपी को बेसिकली सर्च करोगे और फिर उससे रिलेटेड इस इनके अपने सर्वर के ऊपर जितनी भी एसोसिएटेड आईपीज हैं जिन्होंने अपने शॉप्स क्रिएट करी हुई हैं यूजिंग शॉपिफाई, वो सब आपको जो है ना उसका लिंक प्रोवाइड कर देगा. बेसिकली ये सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है. अब मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ, मुझे जो है ना बेसिकली, अगर आप लोग बहुत सारी इसमें से ब्रांडेड साइट्स भी होंगी, सारी ड्रॉप शिपिंग नहीं होंगी, तो आप लोग को ये चीज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा. लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छी साइट निकालना चाह रहे हो, तो मैंने एक जमाने में, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को बताया था कि सेकंड्स सेकंड्स डॉट को, या आ गया बल्कि ये सर्च करके दे देगा. क्या हो गया, रुकिएगा एक मिनट. ठीक है, तो ये साइट आ गई आप लोगों के सामने जो सेकंड्स की मैंने साइट लिखी थी. अब आप इसकी जो ना रैंकिंग देखे 78,000 के करीब है. मैंने क्या करा था, मैं आप लोग को बताता हूँ. मैंने करा ये था कि मैंने जब मुझे पहली बार ये साइट मिली थी ना, वो इसके थ्रू ही मिली थी मुझे,
तो मैंने क्या करा था, मैंने इसका ना ये नंबर याद कर लिया था, बिकॉज seconds.co जो है ना वो एक अच्छी ड्रॉप शिपिंग साइट है. तो मैं जब शुरू में विजिट करने लगा ना शॉपिफाई की, जितनी भी डिफरेंट आईपीज हैं जो उससे एसोसिएटेड, जिन्होंने बेसिकली अपना स्टोर खड़ा करा हुआ है shopify.com पे, तो मुझे मसला ये आ रहा था कि जितनी भी साइट्स थी शुरू की उसमें से मेजॉरिटी ब्रांडेड साइट्स थी. तो मैंने ये सोचा व्हाई नॉट कि मैं स्किप करूं और मैं अराउंड 78,000 के करीब लैंड करूं और फिर सर्च करूं ड्रॉप शिपिंग साइट्स को, एंड दैट टर्न्ड आउट वेल. अभी मुझे नहीं पता कि कितना सही चलेगा, लेकिन मैं अराउंड 78,000, चले आप 60,000 भी कर लें, 60,000 प्लस के बाद जाके जो है ना मैंने जो है ना सर्च करना स्टार्ट करा, तो मुझे जो है ना जरा और ज्यादा ज्यादा ड्रॉप शिपिंग साइट्स के आइडियाज मुझे नजर आने शुरू हुए. एक मिनट रुकिएगा. लेट्स सी. एक मिनट रुकिएगा जी. साइट्स का तो मुझे पता है, इंस्पायर अपलिफ्ट का. मैं एक्चुअली जो चीज देखना चाह रहा हूँ ना वो ये देख रहे हैं आप, पॉपुलैरिटी 8,400 विजिटर्स पर डे. सही है, ये एवरेज काउंट बता रहा है आप लोग को. मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी वो होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैनुअल सर्चिंग ज्यादा होती है. ये तब के लिए है कि ऑब्वियसली मैं आप लोग को इतना मैनुअल सर्चिंग के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इतनी मैनुअल सर्चिंग करो, लेकिन एट टाइम्स करनी पड़ती है क्योंकि आप ये जानना चाह रहे होते हो कि आजकल किस तरह के स्टोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो आप लोग को ना एट टाइम्स इस तरह की सर्चेस करनी पड़ेंगी. पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, मे बी ये हो. आई डोंट थिंक ये है. अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ये प्रोडक्ट्स इनमें से ये एक दो और तीन, ये तीन प्रोडक्ट्स मैं जानता हूँ ड्रॉप शिपिंग है ये. ठीक है, एंड जैसे आप जानते हैं कि ये अच्छा खासा, हाँ, और इसने पूरा अपना जो ड्रॉप शिपिंग का एक जो टिपिकल टिपिकल एक तरीका होता है ना ड्रॉप शिपिंग स्टोर को खोलने का, उस तरह से इसने अपनी पूरी साइट खड़ी भी करी हुई है. हाँ, दिस इज नॉट अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये प्रॉपर ब्रांड है आई थिंक, आई दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है, तो हाँ, ये भी एक ऐसा वो ऐप है विद इन शॉपिफाई जो कि बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपर्स यूज करते हैं, आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा शायद. तो ये एक टिपिकल ड्रॉप शिपिंग साइट है और इसको देखते ही अंदाजा हो गया, 237 प्रोडक्ट्स हैं स्टोर पे, और इसकी अपने साइज के साइज भी यही बता रहा है कि ये डेफिनेटली एक ड्रॉप शिपिंग साइट है. ये प्रोडक्ट भी देखा है मैंने. ठीक है, अच्छा, खैर, लेट्स मूव ऑन. तो आप लोग ने करना क्या है मैं अब आपको बताता हूँ. आपने myip.ms पे देखा, आप लोग ने अपनी जो शॉपिफाई की आईपी है वो डाली, फिर आप लोग ने जाके जो ना मजीद उनके डेटाबेस से मजीद जितनी भी स्टोर्स हैं उनकी आईपी को एक्सप्लोर करा, और फिर अराउंड 60,000 या 50,000 प्लस के बाद जो है ना आप लोग ने, ऐसे ये बात नहीं है कि 10th फर्स्ट वन से लेके 40,000 50,000 तक कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स नहीं होंगे, इनफैक्ट बहुत अमेजिंग होंगे, आप लोग उनको भी देखना चाहिए. लेकिन मैंने अपना एक आइडिया बना लिया कि यार
शुरू में मैं तकरीबन कोई 3-4 पेजेस मैंने देखे ना, तो जितनी भी मैं साइट्स पे गया वो सारी बहुत ब्रांडेड साइट्स थी, और उसमें से कोई भी मुझे ना प्रोडक्ट्स मिल रहे थे ना कोई ऐसी साइट्स मिल रही थी जिसको मैं इन्फॉर्मेशन उठा के जो है ना इनकॉर्पोरेट कर सकता था अपनी साइट के ऊपर। तो मुझे फिर इस बात का अंदाजा हुआ कि इट्स बेस्ट कि अगर आप जो है ना इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो कि मुझे कोई ऐसी साइट मिल जाए ड्रॉप शिपिंग जो बहुत लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स को फॉलो कर रहा हो। सो यूज इट विद क्रोम एक्सटेंशन। सिमिलर वेब अगर आपको ये बता रहा है कि उसकी ऑडियंस 1.5 लाख से ऊपर है तो वो साइट बहुत अमेजिंग है। उस साइट को आप जितना ज्यादा इंस्पिरेशन या इवेंट रेप्लिकेट भी कर सकते हो आप कर दो। थीम भी सेम रख लो, प्रोडक्ट्स भी तकरीबन सेम रख लो, उनका क्राइटेरिया प्रोडक्ट सिलेक्शन का, वो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा लगाओ। यकीन करें जो एटलीस्ट आप लोग का जो जो एम है कि अगर $700 $800 बनाने, वो कुछ ना कुछ पैसा तो आप वहीं से बना के कमा लोगे, ठीक है। और कॉमर्स इंस्पेक्टर भी यूज करना है आप लोग ने इसके साथ। रुकिएगा जरा मैं आप लोग को एक चीज और दिखा दूं। अब जैसे कि ये साइट है ना, अब पता नहीं आई होप ये इसके ऊपर जो है ना ट्रैफिक दे रहा नहीं दे रहा। कभी कभी इसका क्रोम एक्सटेंशन बग हो जाता है एट टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी देगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एट टाइम्स होता ये है कि क्रोम एक्सटेंशन जो है ना इसका बग ही हो जाता है और ये आपको जो है ना रिजल्ट नहीं देता एट टाइम्स। तो फिर आपको करना ये होता है कि आपको मैनुअली जाके इसको डालना पड़ता है। नहीं है इस पर ट्रैफिक, लेकिन अगेन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा ये नॉट नेसेसरीली कि अगर ये आपको ट्रैफिक नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ये ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि शॉपिफाई ने इसको जो ना हाई रैंक करा हुआ है। तो हो सकता है 80-90% ऑफ द केस सिमिलर आपको सही ट्रैफिक दिखा गया, जैसे कि seconds.co का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे यहीं से मिला था myip.ms से, और इनका ट्रैफिक मैंने 150k का आपको वो दिया था बेंचमार्क के 150k एटलीस्ट होना जरूरी है, अच्छा होगा 150k हो। इनका ट्रैफिक 1 मिलियन से ऊपर का, और ये प्योर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ये प्योर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। आप ये भी देख सकते हो कि इनके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, सोशल से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहे हैं, सर्च आ रहा है, रेफरल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। कॉमर्स इंस्पेक्टर हेल्प्स यू एनालाइज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। कि अभी इस साइट पे लेट मी लॉग इन, मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको इस फर्स्ट पेज को छोड़ दो, ट्रेंड्स को मत देखो, बाद में देखना उसका, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। इस साइट के बारे में इसने डाटा दे दिया है, नॉट इनफ डाटा अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि ये साइट अब कुछ अरसे से फंक्शनल नहीं है, ठीक है। अ मंथ अगो, 3 मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो इन्होंने ये जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करे थे, और ये आप देख सकते हो। ट्रैफिक सोर्सेज भी बता दिए, इनके पास 50% जो था वो सोशल का ट्रैफिक था, और डायरेक्ट ट्रैफिक इनके पास ऑलमोस्ट 45% था। ये बहुत बड़ी बात है, डायरेक्ट ट्रैफिक 45% होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सही है। और इन्होंने अगर एड्स चलाए हुए होंगे तो ये भी बता देगा कि अभी किन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्होंने एड्स चलाए हुए हैं, नहीं चलाए हुए, ठीक है। और इसका एक और तरीका ये भी है कि आप अगर इनके इनका फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज पे जाके भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो अच्छी खासी सेल्स कर रहा था, या इवन अभी राइट नाउ कौन सा ऐसा कोई, अगर इन्होंने अभी कोई ऐसा एड चलाया हुआ हो जो कि अच्छा, आई मीन अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर myip.ms टेक्निक। कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 5। ये बात याद रखिएगा, ये जितने भी प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स हैं अगर आप लोग इनको सिर्फ फाइवर पे या अपर पे भी बेचना शुरू कर देते हो तो अच्छे खासे लोग आपको अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार हैं।
आप 2-2 हज़ार डॉलर, 2-2 हज़ार डॉलर बना सकते हो। देर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स के फेसबुक पेज के भी ऊपर उतारी हैं कि इन प्रोडक्ट मेथड्स को उन्होंने यूज करते हुए अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया है। सही है, तो महीने के 1,000-2,000 डॉलर, 1,500 डॉलर, 2,500 डॉलर बुरे नहीं है। सही है, नाइस। बाबर, अभी आपने मुझे मैसेज किया, बता थोड़ी देर पहले। अच्छा, सही है, चले फिर मैं आपसे कल बात करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। सो अब आ जाए ई कॉम हंट के ऊपर। तो निश स्क्रैपर, ई कॉम हंट, ई स्नाइपर, सेल द ट्रेंड, ठीक है, पेक्सडा एंड सेल्स सोर्स डॉट आईओ, ये वो वेबसाइट्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूं। लेट्स सपोज, आई एम सॉरी, सेल्स सोर्स आईओ, मैं अब आप लोग को इसके बारे में कुछ बताता हूँ। लेट्स सपोज आप ड्रॉपशिपिंग साइट स्टार्ट करो, आप बोलते हो कि यार मुझे इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना, मैं इन सारे मसलों में नहीं पड़ रहा कि प्रोडक्ट हंटिंग करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, धमाका करो। मैं आप लोग से बोलता हूँ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप लोग एक काम करो, दो प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन हासिल कर लो, ई कॉम हंट एंड सेल्स सोर्स डॉट आईओ, या और भी है बहुत सारे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है, मैं अब आप लोगों को आगे बताता हूँ। सो मैं बात कर रहा था आप लोग से कि ई कॉम हंट, ई स्नाइपर, ई सेल द ट्रेंड, ठीक है, पेक्सडा, पेक्सडा छोड़ दें आप लोग, पेक्सडा को इग्नोर करें। निश स्क्रैपर की कुछ फंक्शनैलिटीज जरा अच्छी हैं, कुछ चीजें बेकार हैं, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज इसकी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आप लोग को बोलूंगा, स्टिक विथ ई कॉम हंट, ई स्नाइपर, सेल द ट्रेंड, और सेल्स सोर्स भी बहुत अच्छा है। मैं आप लोग को ये भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो अब सीन क्या है इसका? इसका सीन ये है कि ये आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा ऑन डेली बेसिस 2-4 के, आप इनको टेस्ट करो। अब मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, इससे पहले वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द रिसर्च मेथड, ठीक है। देखिए, जो ड्रॉप शिपिंग है ना, ड्रॉप शिपिंग इज नॉट लाइक, मैं आप लोग को पहले बहुत बार बता चुका हूँ, इट्स नॉट लाइक रेगुलर एनी अदर ई कॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस वाली जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अली एक्सप्रेस वाली ड्रॉप शिपिंग, या जो आप पीओ से करते हो या दूसरी जगहों से करते हो। ये ड्रॉप शिपिंग क्विक होती है और ये इन टू
10 times faster होती है इन रिगार्ड्स टू अदर ई कॉमर्स. ये इसमें बुराई भी है और इसमें अच्छाई भी है. बुराई ये है कि रोज आपने सुबह में उठना है, रोज आपने प्रोडक्ट जो है ना नया टेस्ट करना है, दिन में 2 products आपने टेस्टिंग पे लगाने हैं, 2 से 3 या 4, और हर 2-3-4 दिन के बाद उसको आपने कुछ को स्केल करना है अगर प्रॉफिटेबल है, कुछ को फॉरन आपने खत्म कर देना है, किल कर देना है उन एड्स को. ये ड्रॉप शिपिंग का तरीका है. ऐसा आप नहीं सोच सकते नॉर्मल किसी प्रोडक्ट हंटिंग की तरह कि मैं महीने के लिए वेट करूंगा या हफ्ता वेट करूंगा या फिर जो है ना कोई मुझे बोलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट के ऊपर तुम पैसा लगाओ तो आप पैसा लगाओ. ड्रॉप शिपिंग में आपने पैसा लगाना है, आपको शक है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, आपने पैसा लगाए बगैर किसी मतलब पैसा लगाए बगैर किसी हाइपोथेसिस पे आपने जंप नहीं करना कि नहीं 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 ये नहीं चलेगा. हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जिसकी वजह से आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट को चला सकते हो. ठीक है, अपने दिमाग में ये बात बांध लें आप लोग सबको मैं बोल रहा हूँ इस वजह से. ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 6 कॉमर्स इंस्पेक्टर वायरल पोस्ट. ये वो एरिया है कॉमर्स इंस्पेक्टर का जो मुझे बहुत पसंद है और ये आपको वायरल प्रोडक्ट्स खुद ब खुद निकाल के दे देता है. दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ट्रेंड्स में जाना होगा आप लोग को. ठीक है, और या तो आप लोग जो है ना उस जिस बटन पर मैंने क्लिक किया है इस पर क्लिक करने के बाद इस बटन पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो कॉमर्स इंस्पेक्टर को अलग से एक विंडो में खोल देगा. इधर अगर आप लोग देखेंगे ना तो टॉप पोस्ट, टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप ई कॉमर्स ग्रुप्स, ये तो फेसबुक के ग्रुप्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, इन ग्रुप्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. ये वो ग्रुप्स है जहाँ पे ई कॉमर्स की जनरली बातें हो रही होंगी और सब कुछ. ठीक है, टॉप प्रोडक्ट्स के पोस्ट के ऊपर अगर हम आ गए, ऊप्स आई एम सो सॉरी. एक्चुअली मैं वापस आया ना तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मैं आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ. खैर, and thanks Arslan for calling me. Okay, तो मैंने कोई चीज मिस नहीं करी, मैंने बस आप लोग को जो है बस आप लोग को कौन सी टूल्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेनी है मैंने ये बात करी थी आप लोग को. मैंने कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा था उस पर. sales.source.io, e-commerce, e-sniper, वो लोग जो जी ये साकिब की भी बात सही है, दूसरे टूल्स भी हैं. खैर, जो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे बिकॉज एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो क्या करें, रोज सुबह में उठा करें, देखें इन टूल्स के ऊपर कौन से 4 products अलग अलग टूल्स के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करें, अपनी प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट को रेडी रखें, उनके ऊपर प्रोडक्ट वैलिडेशन चलाएं, उनमें से जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, फॉरन टेस्ट करें, अपने रिजल्ट निकालें एंड दैट्स इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. ठीक है, जो सेल्स ला रहा है उसको स्केल करें, जो सेल्स नहीं ला रहा है किल दैट कैंपेन. ठीक है, तो ये बात ये यहाँ पे हो गई. नेक्स्ट जो रिसर्च मेथड था वो था कॉमर्स इंस्पेक्टर वायरल पोस्ट. हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोग से बोला था अगर कॉमर्स इंस्पेक्टर के क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर आप लोग क्लिक करो तो यहाँ पर आप लोग के पास आ रहा होता है ये पर्टिकुलर आइकन जो आप लोग को कॉमर्स इंस्पेक्टर को अलग स्क्रीन में खोल के दे देगा इस तरह से. बस यहाँ पर था मैं. ठीक है, यहां पर जब आप आओगे तो लास्ट 7 days में, लास्ट टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, हर लिहाज से ये आपको बता रहा होगा कि कौन से प्रोडक्ट्स वायरल हो रहे हैं. वो प्रोडक्ट्स जिन पे वायरलिटी बहुत क्रेजी होगी, ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ उस पर ही पैसा लगाओ. लेकिन मैंने आप लोग को सारे स्पाई करने के तरीके इस वजह से भी बताए हैं कि उनपे भी लगा के देख लो. मैंने बोला पहले से हाइपोथेसिस क्रिएट ना कर लो कि ये प्रोडक्ट फेल है, इस पे तो बहुत सेल्स आ गई. क्या पता अभी उसने स्टार्ट करा हो, क्या पता इसने, एक बात बताता हूँ मैं, चलो इसकी बात नहीं करता, मैं बात कर लेता हूँ इसकी. मैं आपको बताता हूँ, एक दिन के अंदर मैं 10,000 likes लेके आ सकता हूँ एक पोस्ट के ऊपर. पोस्ट एंगेजमेंट एड चलाएं, आप किसी भी tier 3 country को टारगेट करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके पास इतनी अच्छी सोशल प्रूफ जमा हो जाएगी. लेकिन इसमें से जरूर वो USA, कैनेडा और UK वगैरह के लिए भी एड चला रहा होगा. सो कहने का मकसद ये कि क्या पता इसमें से 50% जो सोशल प्रूफ है इसने जो है ना tier 3 countries से एक्यूमुलेट करा हुआ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत पैसा उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगाएं, चेक करें. ये मैं इसके ऊपर, मैं फेसबुक एड्स के ऊपर मैंने बताया अजर कि क्या करना है, ये मैं आप लोग को बता दे दूंगा. ठीक है, प्रॉब्ली कल तक आप लोग के पास वीडियो, कल रात या लेट नाइट या कल शाम या रात तक जो है ना ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. अगर नहीं हुई तो कल सुबह या दोपहर तक हो जाएगी. ठीक है, परसों सुबह या दोपहर तक. तो यहाँ पे आपने देख लिया ये सोशल प्रूफ आया हुआ है. ठीक है,
और ये मैंने आपको इसके ऊपर आइडिया दे दिया, सिर्फ यही नहीं रोक देना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, इन प्रोडक्ट्स के स्टोर्स के ऊपर भी जाना है, फिर जब प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर जाओगे तो वहां पे तुम लोग को इनकी सोशल आइकन्स मिलेंगे, फेसबुक वगैरह पे जाके देखो, उनके मजीद एड लाइब्रेरी में जाके देखो कि वो कौन से और प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा फेंक रहे हैं। अगर ये प्रोफेशनल ड्रॉप शिपर्स हैं, दे हैव क्रैक्ड डाउन ड्रॉप शिपिंग लाइक एनी वन एल्स, तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, सनी भाई ने भी एक बात बोली थी और सबको बोली थी, एंड I sat down and thought about it, कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के बेवकूफ होते हैं, एक बेवकूफ होते हैं और एक अकलमंद बेवकूफ होते हैं, राइट। ये कल भी उन्होंने रीपोस्ट करी थी वीडियो। तो अकलमंद बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, शुरू में यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ अदर प्रोफेशनल ड्रॉप शिपर्स। सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बस यही वीडियोस के ऊपर टेस्टिंग करो, इनके ऊपर करो, मजीद गो इनटू डिटेल्स, स्क्रैच आउट मोर डिटेल्स फ्रॉम देयर वेबसाइट, फ्रॉम देयर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कौन से और एड्स रन कर रहे हैं ये लोग, और फिर उसके बाद चीजों को सॉर्ट आउट करके और ज्यादा डिटेल में देखने के बाद कम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, इसके अलावा मैं ये एड्स और भी रन कर रहा हूं। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के टिकट साइज के ऊपर कि कितना टाइम चाहिए प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे वो मिल गए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आ गया। ठीक है, ये बेस्ट स्टोर का डायरेक्ट पेज आ गया। अब ये इसके ऊपर कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पैसा लगाया हुआ है, लेकिन ही न्यू के कब किल कर रहा है। तो देखिए सोशल प्रूफ कितना कम है, कितना कम सोशल प्रूफ है इसके पास। ठीक है, इसने और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टेस्टिंग करी, हो सकता है और के ऊपर भी कर रहा है। लेट्स जस्ट हैव लुक जल्दी से के कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अभी कोई एड ही नहीं चला रही है, मैं खास इसने ये भी एड जो चलाया था ये बंद कर दिया, लेकिन आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू गो इनटू ई-कॉमर्स इंस्पेक्टर, अलग स्क्रीन में खोलो, ट्रेंड्स पे जाओ और ट्रेंड्स पे जाके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस भी होती हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 7, फ्री शिपिंग एंड 50% ऑफ। ये बहुत सारे कॉमन लोगों को पता है और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। सपोज लॉन्च 5 गिग्स ऑन बेसिस ई-कॉमर्स हंट प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट हंट के। ओके, सो गैलेक्सी नोट 8 बोल रहे हैं कि क्या हम फाइवर पे गिग्स लॉन्च कर सकते हैं इन सपोर्ट विद कीकॉम हंट। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, चले जरा गौर से सुनिएगा। मैं आप लोगों को पता है कि मैं फाइवर पर बहुत अरसे से कर रहा था काम, रिसेंटली मैंने रोक दिया बिकॉज अब मुझे मैं दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बेसिकली। इट्स नॉट लाइक कि मैं करना चाहता हूँ और फाइवर पे काम, लेकिन मैं अभी रोका हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आई विल कम बैक टू फाइवर, बट अभी फिलहाल मैंने अपने आप को अभी रुका हुआ। लेट मी स्टॉप शेयर, एक मिनट रुकिएगा, लेट मी लॉग इन। जी अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन। जी तो जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मैं खुद फाइवर पे जो है अभी आप ये देख सकते हैं कि फाइवर पे मैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस भी बेच रहा था। मैंने अब ये जो है छोड़ अभी फिलहाल मैंने अब छोड़ा हुआ है। मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज मुझे काम नहीं चाहिए, और प्लीज जो ये वीडियो देख रहे हैं खुदा के लिए मुझे जो है ना रीच आउट करना बंद कर दें फाइवर पे, क्योंकि आप लोग ही VBC के और स्टूडेंट्स आते हैं मुझे रीच आउट करते हैं, बोलते हैं सर मुझे अब ये प्रोडक्ट जो है ना हंट करके दे दे। मैं बोलता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नहीं है टाइम, तभी मैंने फाइवर भी रोका हुआ है। सही है, तो मुझे रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे मत कीजिएगा रीच आउट, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई रिस्पेक्ट यू बट मैं नहीं कर सकता काम, तभी मैं अपने आप को दूसरे एरियाज में लगा के बैठा हूँ। ठीक है, अच्छा सो ये जो गिग है जो मैं आप लोग अभी दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ।
मैंने इस गिग के ऊपर इतनी मेहनत नहीं करी, मैंने इससे तकरीबन 2-3 हज़ार डॉलर बनाए होंगे, फिर मैंने ये भी रोक दिया था। फिर मैं बेसिकली शॉपिफाई स्टोर्स क्रिएट करना शुरू हो गया था, क्योंकि वो हाई टिकट वो है एरिया है। मैं क्या करता था कि मैं सारी डिटेल्स उठा के देता था कस्टमर को ई कॉमर्स से मैं सारी डिटेल्स उठाता था और मैं प्रोडक्ट एज इट इज जो है ना मैं कस्टमर को दे देता था। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ई कॉमर्स यूज कर रहा हूँ, salesforce.io यूज कर रहा हूँ। आपको सिर्फ उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस भरनी होगी, दोनों की मिला के 50-60 डॉलर होगी। सही है? द कस्टमर यूज टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, ₹88 मैं कर चुका हूँ इसमें अभी तक ऑलमोस्ट, और इसमें कुछ आप लोग शायद हाई टिकट भी देखें। $195। तो मेरे पास ऐसे लोग भी आते थे जो बोलते थे कि मतलब मेरा दिल होता था, मैं आपको बताऊं, इसमें से मेजोरिटी लोग जो आ रहे होते हैं ना आपके पास काम करवाने के लिए, वो बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट दे दो। अगर आप उसको अपसेल कर दो ना कि देखिए मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्या आपको स्टोर की जरूरत है? हर दूसरा या तीसरे बंदे को स्टोर की भी जरूरत होती है, वो आपसे प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर बनवाने से पहले, स्टोर बनने से पहले वो आपको आके रीच आउट करते हैं, बोलते हैं कि सुनो हमारी जो है ना आप बेसिकली प्रोडक्ट हंट करके दे दो स्टोर बनने से पहले। 1 मिनट रुकिएगा जरा। जी, तो प्रोडक्ट हंट करने से पहले सॉरी प्रोडक्ट क्या स्टोर लॉन्च करने से पहले वो आपको रीच आउट करते हैं कि प्रोडक्ट हंट करके दे दो। तकरीबन 80-90% कस्टमर सारे वो होते हैं जिन्होंने अपना स्टोर नहीं बनवाया हुआ होता, वो प्रोडक्ट के हिसाब से अपना स्टोर बनवाना चाह रहे होते हैं। तो जब वो आपको रीच आउट करें ना, तो उनको बोले कि देखिए मैं आपको प्रोडक्ट हंट करके दे रहा हूँ क्या, फिर जब हंट कर लो तो बोले कि मैं प्रोडक्ट का स्टोर बना के भी देता हूँ। तो वो यूजली आपसे पूछेगा कितने में बना के दोगे। मैं नहीं पूछता था अपनी इस वाली गिग में पर्टिकुलरली, लेकिन बहुत सारी आपको ऐसी दिखेंगी भी कि जिसमें मैंने उनसे क्या करा कि साइड में एक जाके उनसे कुछ और पैसे किसी तरह मैंने निकलवाए और काम लेने के लिए, मतलब ज्यादा हाई टिकट काम लेने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। $70, $195, इसमें ज्यादातर ऐसे हैं नहीं एक्चुअली, मुझे इसलिए याद भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ तकरीबन 300+ स्टोर्स में खोल के दे चुका हूँ लोगों को, नॉट ओनली फ्रॉम दिस गिग बट इवन जो मेरे पास उस पे आते थे फेसबुक पे, फेसबुक पे मेरे पास 50% से ज्यादा जो कस्टमर्स आते थे वो आते थे कि यार हमें फेसबुक एड्स रन करने हैं अपने ड्रॉप शिप। 50% से ज्यादा, विच इज अ लॉट, 50% से ज्यादा मेरे पास जो लोग आते थे फेसबुक एड्स रन करवाने के लिए, वो आते थे कि भाई हमें आ रहा है ड्रॉप शिपिंग स्टोर रेडी है, प्लीज तुम जो है ना हमें जरा फेसबुक एड्स मैनेज एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक एड्स ना इसकी हमें वो करके दे दो। सॉरी गलत, फिर से गलत चीज पे क्लिक कर दिया मैंने। इसके मैं हाई टिकट पैसे लेता था हमेशा, और सबसे ज्यादा मेरी बिकने वाली भी यही थी। यहीं पे फिर मैं उनको ये भी पिच करता था कि अगर आपको आपका स्टोर, अगर उनके स्टोर इश्यूज होते थे तो मैं बोलता था आपका स्टोर सही नहीं है, ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मैं जो ना आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज स्टोर बना के दे सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादातर हाई टिकट, मेजोरिटी एटलीस्ट जो $5 वाले, ये भी मैं आपको बता दूँ $5 किस चीज के लिए है, ये सब बात करने के लिए होते थे। वो बोलते थे कि मैं आपसे आपको जब तक ऑर्डर नहीं दूंगा या दूंगी जब तक जो है ना आप हमारे साथ स्काइप पे बात नहीं कर लेते, तो फाइवर पे ना आप स्काइप पे ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको फाइवर को पहले बोलना होता था कि मैं अपनी सर्विसेज यहीं पे कंटिन्यू करूंगा, मैं सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ, $5 जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन है, अगर आप इसके बगैर करो ना तो फाइवर आपको टर्म्स ऑफ सर्विस हिट दे देता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं सारे मेजोरिटी जो है वो हाई टिकट है सारे। ठीक है, ओके, सो आई होप आप लोग को इसका जवाब मिल गया हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फाइवर पे अपसेल्स और अपवर्क पे अपसेल्स बहुत अच्छी चलती हैं, तो अपने दिमाग में ये बात रखिएगा।
ओके सो वी आर डन विद प्रोडक्ट, 50% ऑफ एंड फ्री शिपिंग के ऊपर बात चल रही थी, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 50% ऑफ, आप लोगों ने सब ऊपर जाना है फेसबुक पे, आपने एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आप लोग को जाना है 2020, यहाँ पे डेट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। 2020 सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ने मंथ सेलेक्ट करना है, और मंथ सेलेक्ट करके, अगस्त चल रहा है तो आप लोग ने बोलना है अगस्त, अगस्त में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे, वीडियोस पे आ जाना है आपको। इसके बाद इसका एक रूल ऑफ थंब मैंने डाला हुआ है कि यहाँ पे जब आप आए तो कोशिश करें वो वीडियोस के ऊपर आप टेस्टिंग करें जिनके व्यूज 5 लाख से ऊपर जा चुके हों, या उन वीडियोस को आप कंसिडरेशन में लें जिनके व्यूज 5 लाख से ऊपर जा चुके हों। यूजली वही आपको जो है ना वो मिलेंगे, जरा अच्छे मिलेंगे, सही। तो जैसा आप देख सकते हैं, लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग डेड है, अगर ड्रॉप शिपिंग डेड होती ना तो अभी ये 1 मिलियन या ये देख रहे हैं 7 लाख, 8 लाख, 1 मिलियन, ये कौन लोग हैं जो अभी भी बैठ के पैसा कमा रहे हैं। 7 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये तकरीबन एक महीने में 30 से 50 हजार डॉलर की सेल है, आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट्स निकलते रहेंगे हमेशा नए तरीके के, और लोगों की नीड हमेशा रहेगी इन प्रोडक्ट्स को लेके, सही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और ग्रैब नाउ, आई डोंट नो ये क्या है, ओके सो ये बेसिकली इज इट फॉर सील करने के लिए, ओके ठीक है, सील करने के लिए बेसिकली कोई भी प्लास्टिक की चीज जो के वो हो जाए, ओके दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, ठीक है। तो काफी हैंडी चीज है, काफी हैंडी चीज है, ठीक है। तो जरा ये आप लोग देख सकते हो, और पानी भी नहीं गिरा, नाइस, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मतलब यूज बहुत अच्छा दिखाया प्रोडक्ट का, एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा वीडियो बहुत अच्छी है। तो ये हो गया, दिस इज अनदर वे, और इसी में आप फ्री शिपिंग भी कर सकते हो। और भी चीजें होती हैं इसमें, और भी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्री शिपिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आ गए, देख देख सकते हैं आप लोग, प्रोडक्ट्स आ गए, सही है। इसमें आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2020 टुडे, दिस मंथ सेलेक्ट कर लिया, ये सारी वीडियोस आ गई। इसमें आपको इतनी ज्यादा नहीं दिख रही जो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर आप लगा सकते हो, लेकिन दे अदर अदर वर्डिंग्स दैट दे अदर कीवर्ड्स एज वेल। कुछ लोग 30% ऑफ पे करते हैं, कुछ लोग फ्री शिपिंग पे करते हैं, तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स अगर आप लोग यूज करोगे तो यू कैन कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू मार्केट इन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। एंड अच्छा, सो लेट्स, मैं आप लोग को एक और बता रहा हूं, इसके बाद वी कैन एंड आवर सेशन ओवर हियर, व्हिच इज द WTF प्रोडक्ट्स, एंड दीज WTF प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोन एज वाउ प्रोडक्ट्स। ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे दिखेंगी, और आप इन इन प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली जो है अब हमारे बेसिकली अली एक्सप्रेस पे जाके सर्च थ्रू इमेज के ऊपर जाके जो है ना सर्च कर सकते हो। अब इसमें मैं, दिस इज वाई आई एम ब्रोक, इसमें सबसे मशहूर जो साइट है ना वो दिस इज वाई आई एम ब्रोक, आते ये मैं, ये लंबे डिस्कशन है, ये मैं आपसे लोग से करूंगा। अब मैं ले सपोज इस का टर्न हेड्स एज डाउन द स्ट्रीट रेगुलर स्किल्स। अब अगर मुझे कोई ऐसा वाव प्रोडक्ट दिखता है ना तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सर्च बाय इमेज करूंगा मैं। अब ये सब लोग जानते हैं गैलेक्सी LED लैंप, सही है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सर्च गुड्स ऑन अली एक्सप्रेस करूंगा, तो लेट्स सी अगर ये प्रोडक्ट आता है मेरे पास। वैसे भी मशहूर प्रोडक्ट है, आ जाना चाहिए। ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप लोग अपने पास कर लीजिएगा, अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज, तो ये आ गई, जैसे आप लोग देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट आया, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोडक्ट।
तो ये प्रोडक्ट आप लोग इजीली मतलब अगर आप लोग को ऐसा कोई प्रोडक्ट नजर आया है और उसके सेल्स अच्छे खासे हैं, देख रहे हैं आप ये सेल्स चेक करें, सेल्स जितने ज्यादा सेल्स होंगे उतनी ज्यादा वायरलिटी होगी इस प्रोडक्ट के ऊपर। इसका मतलब चांसेस ज्यादा है कि अगर आप उसके ऊपर एड्स चलाना शुरू करते हो तो उसके ऊपर सेल्स आ सकती हैं। तो जितने ज्यादा सेल्स होंगे, सेल्स मीन्स के नंबर ऑफ सेल्स सिंपली मीन्स कि ये प्रोडक्ट वाव है, WTF प्रोडक्ट है, और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत अजीब सा है और लोगों को पसंद आ रहा है, एंड पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट मिलेगा दो, लेकिन फिर भी इसको सर्च थ्रू इमेज कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं, मैं पहले ही बोल दिया था कि ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मुझे। थोड़ा सा जो बंदा एक्सपीरियंस होता है ना, जिसने ये काम करा हुआ होता है, वो देखते ही बता देता है कि ये प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सेल्स देख रहा हूँ अभी, मैं अभी ऊपर प्रोडक्ट देख ही नहीं रहा ना। आप लोग को अपनी नजर से प्रोडक्ट को नहीं देखना, आप लोग ने कस्टमर की नजर से देखना है। तो लुक एट द सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। अब ये तो प्रोडक्ट नहीं आप सर्च करोगे ना ऑब्वियसली, तो ये भी नहीं करो बल्कि 871 अब लोगों को बाहर लाइक दे इन टू दिस बियर एंड ऑल दैट, तो उससे रिलेटेड गेम्स वगैरह भी पसंद है, तो मे बी आई डाउट। वैसे ये मिलेगा नहीं, आई एम श्योर नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल अच्छा। कभी कभी प्रोडक्ट्स जो इमेजेस होती है ना, वो यहाँ पे क्लियर नहीं होती, तो आप उनको एहतियातन दूसरे विंडो पे खोल लो। अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पर आइए, ये अमेजोन की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके सेव्स अच्छे खासे हैं, द पीपल सीम टू लाइक इट ना। तो आप क्या करो, राइट क्लिक करके सॉरी नहीं मिलेगा, मैं अभी भी समझता हूँ ये भी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल भी जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक दिखाया था। ओ वाओ, अली एक्सप्रेस में मिल गया ये प्रोडक्ट, बियर पोंग, ठीक है। मैं अभी आप लोग से बात ही कर रहा था और मुझे लग नहीं रहा था कि ये मिलेगा, लेकिन ये मिल गया। तो बाहर लोगों को ना मतलब ये किसी तरह का कोई गेम है जिसपे खेलते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिल भी गया, मैं आपसे लोग से बात ही कर रहा था और ये मिल गया। आई डाउट ये मिलेगा वैसे। जी मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड्स को। मैंने चैट पे शेयर कर रहा हूँ लिंक को, या आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो ये प्रोडक्ट नहीं मिला, और मुझे लग भी रहा था कि शायद नहीं मिले। तो आई होप यू गाइस गेट द आइडिया कि किस तरह आपको जो है ना, दिस इज व्हाई आई एम ब्रोक और शट अप एंड टेक माय मनी से प्रोडक्ट्स निकालने हैं और चेक करना है कि इफ दे आर अवेलेबल ऑन अली एक्सप्रेस और एनी अदर सिमिलर वेबसाइट। अब ये 847 सेव्स हैं, ये बहुत आराम से प्रोडक्ट मिल सकती है ये वाली, ठीक है। सो दिस इज प्रीटी, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वन। इसमें लिखा हुआ भी है अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज के थ्रू यूज करके आप करें तो आपको प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस अच्छे होंगे। लेट्स क्लोज द टॉपिक ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, एंड दुआ करते हैं कल आप लोग के पास जो है ना फेसबुक एड्स की स्टार्ट वीडियो मिल जाए, तो आप लोग अपनी जो है ना बाकी चीजों के ऊपर स्टार्ट कर लो, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। कहाँ है मोहम्मद मुबीन कादरी? ये मीटअप आई मीन किस दिन है, आप लोग मुझे बताओगे अंदाजन? कल है, और टाइम क्या है? टू ऑनवर्ड्स। अच्छा, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। असल में मेरा सीन ये है कि मैं आज भी दोपहर 4 बजे से लेके, सॉरी दोपहर 3 बजे से लेके, और ये टाइम हो गया, मैं अब जाके उठूंगा। और ये अरसलान को भी पता है, अरसलान तुम हो यहाँ पे? 3 या 4 बजे से बैठा हुआ मैं यहाँ पे।
मे बी अरसलान, हाँ, तो तकरीबन दोपहर 3 या 4 बजे से मैं मुस्तकिल जूम सेशंस कर रहा हूँ, और अभी तक मतलब मैंने कोई खास ब्रेक नहीं ली। तो कल के साथ देखते हैं, मैं चाहता हूँ मैं आऊँ कल आप लोग से मिलने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर हिम्मत हुई तो डेफिनेटली आऊँगा। फिलहाल आई थिंक आज का सेशन काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। आप लोग अब ये फोकस करें कि मैं जो हूँ, जो चीज़ जो मैंने नई वीडियो बनवानी थी फेसबुक एड्स के ऊपर, वो मैंने बनवा दी है। उस पर बस मुझे कुछ चीज़ें एडिट करनी है अभी बैठ के, इस सेशन के बाद वो एडिट कर दूँ, तो इंशाल्लाह ताला कल वरना परसों तक आप लोग के पास वीडियो होगी साथ में। बेसिकली हमारी अपनी सेशंस थे, किंडल से रिलेटेड थे। दोज वर बेसिकली वो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, और नॉट द काइंड ऑफ के वो ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशंस नहीं थे, वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली। चलिए सही है गाइस, आई एम ऑफ। सो गाइस वैलिडेशन, सॉरी प्रोडक्ट वैलिडेशन मैंने सब बताया तो है आप लोगों को। फाद शायद आप ने पिछले सेशंस मिस कर रहे हैं शायद, आई एम नॉट श्योर। प्लीज एक काम करिए आप लोग, मैं आप लोग के सवालों के जवाब नेक्स्ट सेशन में दूंगा, अभी फिलहाल आप लोग इसको क्या हो गया यार। प्लीज अपने सवाल इस शीट पे डाल दें, मैं जरा खाने के बाद जो है 1-2 घंटे के बाद बैठ के इन सवालों को देख लूंगा और इनके जवाब भी रेडी कर लूंगा अगर मेरे पास नहीं होंगे। और साथ ही साथ में आप लोग जो हैं मेरे नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट हो रहा हो तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को इन सवालों के जवाब दे दूँ। ठीक है, ओके देन, टेक केयर गाइस, आई एम ऑफ देन, अल्लाह हाफिज। स्लाइड लिंक शेयर कर चुका हूं मैं, प्लीज कोई इनके साथ शेयर करते हैं प्लीज। ये ले मैंने फिर से कर दिया, ओके देन, प्लीज इसको जल्दी सेव कर लीजिए। चलिए ठीक है, आई एम ऑफ देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।